whatever. मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा। अगर यही सब करना है ना तो शाही मोहल्ले में जाके दुकान खोल भाई। अब्बा शर्फू, मैंने वहाँ ट्राई की थी, एक तो वहाँ दुकान मिलती नहीं। भाई मिल भी जाओ तो इतना किराया मांगते हैं वो, और ये जो तू कह रहा ना नहीं चलेगा, ये तो मेहदी हसन साहब का लाजवाल गाना है, खुदा वंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में। अबे इतनी आग जल रही है ना सीने में, धनिया मर रहा सीने में धनिया। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा गाने की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ फिर? ये तू जो कर रहा है ना इसकी बात कर रहा हूँ। वो तो तुमने बताया ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो मोहल्ले में आंख मचक्का कर रहा है ना, तेरी आंखें भी फोड़ दूंगा और मटका भी फोड़ दूंगा। पान पे चूना लगा, सिर्फ पान पे। अच्छा ये बात है। देख भाई शर्फू, कि शर्फू के साथ दादा लगाने से इंसान दादा हो नहीं जाता। फिर क्या बहनोई हो जाता है? तो होता होगा किसी का बहनोई। आप बात सुन रहे, तू बड़ी शराफत फैला रहा मोहल्ले में। अपने करतूत भूल गया तू? खत में पान लपेट के यूं करके शमशाद को दिया करता था। अरे को खत ही भेजता था ना, तार से तो नहीं था ना? अब ताड़ी के तो रखा हुआ था, जबी तो खत भेजता था तू। वो तो एहतियातन ताड़ता था भाई, मेरा काम है समझाना, बाकी तेरी मर्जी है भाई। अब बात सुन, अभी तो खैर मैं नहीं समझा, लेकिन ज्यादा समझाने की कोशिश की तो तेरा और शमशाद का भांडा बीच चौराहे फोड़ दूंगा। अब यार देखो हामिद, अब तुम ये ना करो यार, अब पान के साथ तुम मेरे पे भी चूना लगा रहे हो यार, ये तो गलत, ये नहीं होगा भाई। ये गलत बात है भाई, ये बता रहा हूँ मैं। अब आया ये गलत बात है। हाँ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बड़ा फैला फिरता ये शर्फू दादा बन के। वाह मेहदी हसन साहब वाह। हाँ बेवाओं की तरह मुलट का क्यों बैठा है? तेरी बड़ी ऑब्जर्वेशन है बेवाओं पर। मेरी फुप्पो जवानी में बेवा हो गई थी यार। शादी तेरी फुप्पो की बुढ़ापे में हुई है, बेवा जवानी में कैसी होगी? क्या बातें कर रहा है तू यार, उम्र से क्या लेना देना, दिल जवान होना चाहिए। ये बात वैसे आमतौर पर मर्दों के बारे में कही जाती है। तो कर रहा हूँ ना, अपने फुप्पा के बारे में बता रहा हूँ कि दीवाने थे उनके। अबे दीवाने थे तो शादी क्यों करवाई उनकी? अबे फुप्पी के दीवाने थे यार। वैसे मोहल्ला अपना भी वीरान हो गया, ना कोई शशका है ना कोई चीज देखने के लायक। हाँ यार ये बात तो तू ठीक कहता है कि मोहल्ला बड़ा वीरान हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि मंडी में कुर्बानी के बाद वीराना होता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो गया। ये देख है ना तू गवाले का बच्चा पूरा, तेरी हर बात में जो मिसाल होती है वो जानवरों से रिलेटेड ही होती है बेटा। मैं पागल, मैं गवाले की बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरे अब्बा गवाले नहीं है, निराले हैं। फिर निराले बाप की भी तू निराली औलाद है, आफरीन है तुझे। Excuse me. आपके मोहल्ले में मेहमानदारी नहीं होती? अरे नहीं नहीं खाला, कैसी बातें कह रही हैं? बाप आप हुक्म तो दीजिए। तो बस ये सूप कैसे जरा ऊपर ले आइए, जरा ख्याल से, इसमें बहुत कीमती सामान है। सामान तो सारे के सारे कीमती है। कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं खाला, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा देखिए मैं से जरा लोटा पे निकाल लेना, तुम्हारे खालू की आखिरी निशानी है। लोटा? लेकिन मेरे तो कोई खालू ही नहीं है। लो जब से खाला खाला कर रहे हो तो खालू तो हुए ना। अब क्या सारी बात है आप लोग यहीं पे खड़े होके करेंगे? तो चले ऊपर चलते हैं, बाकी बातें सारी बड़ी कर लेंगे। हाँ ना कितनी अच्छी बात कही नौजवान ने, ऐसा कर लेते। अच्छा सुनो, यहाँ के करीब में वीडियो की दुकान है। अरे भाई मैंने कोई गलत बात पूछ ली जो तुम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे हो? वो असल में खाला मोहल्ले में और कोई देखने की चीज है नहीं ना, तो फिर हम दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। ये आदत आज के दौर में अच्छी नहीं है, तब्दील कर लो। हाँ चलो लेके आओ सामान। आवाज़
तुफैल भाई आज कैसा रास्ता भूल गए हो? ठीक तो हो दिलबर जान? मियां हम कभी कभी आ जाते हैं मगर तुमने तो ना आने की कसम खा रखी है। अब क्या बताए, मोहल्ले की जिम्मेदारियां निकलने नहीं देती। घर से सुना नाना बन गए हो? मियां अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तुम भी तो दादा बन गए हो। आप अपने बारे में भी कुछ सोचो भाई। क्या, किस सिलसिले में? अरे जिंदगी तो गुजार दी है, जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई है, अब नई जिंदगी शुरू कर दो। तुफैल, वो तो ठीक है मगर तुम भी तो नई जिंदगी शुरू करो। भाई मैंने तो सोच लिया, इधर नौमी की नौकरी लगी, इधर बहू लेके आ जाऊंगा घर में। अच्छा अच्छा, कुछ कह रहे थे? बस मैं अब जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जाओगे भाई, इतने अरसे के बाद आए हो। वो करीम बख्श की फेटे वाली लस्सी तो पी के जाओ। मेरा वक्त नहीं है मेरे पास। मैं क्या हो गया, कोई मूजी मर्ज हो गया या डॉक्टर ने जवाब दे दिया? मियाँ अल्लाह ना करे, बस मैंने मियाँ खुद को बड़ा मसरूफ कर लिया है। अच्छा, वैसे एक बात है तुफैल भाई। क्या? ये जो तुम्हारे किराएदार है ना, बड़े टाइट है भाई। क्या मतलब? शर्फू के पास सारी खबरें रहती है। मियाँ मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में, वो स्टेट एजेंसी वाला है, वही देखता रहता है। वो नहीं देख रहा, खाली पूरा मोहल्ला देख रहा है। मैं तुम तो बहुत इधर उधर की हाँकते रहते हो। आप तो मकान मालिक हो, जाके चेक करो ना। ना भैया, मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में, तुम्हें तो मेरे मिजाज का इल्म है। तभी तो कह रहा हूँ कि जाके चेक करो। अच्छा भाई शर्बू, अब मैं चलता हूँ, किराएदार से मिलने। क्या ऐसी बातें कर रहे हो? मिलने में अर्जी क्या है भाई, मिल लो, शायद कोई माहौल बन जाए। तुम भी अजीब। अच्छा भाई, मैं बड़ा शरीफ आदमी निकला तू। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? रेड तो नहीं? अब्बा क्या हुआ अचानक? खैर तो है? रेड के बच्चे क्या देख रहा ख्वाब में, जो इतना एंजॉय कर रहा था बाप से ज्यादा? अरे नहीं नहीं अब्बा, वो जो तू समझ रहा है वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो तू अपने बाप को समझाएगा कि क्या गलत है और क्या ठीक है? अब्बा तुझे गलत बताने की जरूरत ही क्या है, माशाल्लाह तुझे तो पहले से सब कुछ पता है जो गलत होता है। अब बाप से एंजॉय करेगा, शर्फू दादा से हैं? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अब्बा अगर खुल के बता दी तो इधर ही कट हो जाएगी। देख मैं कह रहा हूँ कि केबल पे फिल्में देखना बंद कर दे, समझ आई? अब्बा कसम उठवा ले, केबल पे नहीं देखी। तो फिर कहाँ देखी तूने? मोहल्ले में। अच्छा, अब शर्फू दादा के होते पे मोहल्ले में फिल्में चलेंगे हैं? अब्बा वैसे ये चलना वाकई ठीक नहीं लग रहा। मैं जब सारा वक्त पलंग तोड़ेगा तो चलना तो बुरा लगेगा ही तुझे। अब्बा बिला वजह गुस्सा हो रहे हो, ख्वाब तो खुद ही से आ जाते हैं। बड़े ताल्लुकात है ख्वाब के साथ? अबे तेरा मसला ख्वाब नहीं है, ख्वाब की ताबीर है। अब्बा आपको कैसे पता चला? शर्फू दादा जो है ना, वो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होने देता, समझ आई तुझे? नींद आ रही है? हाँ जी। चलो उठाओ के सो जा। हाँ जी। अम्मा अम्मा, खाने में क्या पका रही हो? मेरा कलेजा। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? कलेजा खाने का कोई मूड नहीं है मेरा, काम करो मुर्गी बना लो। मुर्गी बना लो? बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे कि तेरा बाप पोल्ट्री फार्म छोड़कर मरा था। हाय मरहूम अब्बा, वैसे तो लंबी लंबी छोड़ने की आदत थी लेकिन हमारे लिए कुछ ना छोड़ा। तौबा तौबा, ये तो क्यों ऑल फॉल बके जा रही है? मरे हुए अब्बा के बारे में भला कोई ऐसे कहता है? ओहो, जैसे जिंदा बाप को आप कहती थी ना, वैसे भी कोई नहीं कहता। एक बात बता मुझे, इतनी नदीदी क्यों हो रही है तू? अभी पिछले दिनों तुझे बिरयानी खिलाई थी ना। खुदा का खौफ करो अम्मा, 40 की बिरयानी भी काउंट कर रही हो? ओह, खुदा का खौफ करो अम्मा, जब बोरियां तोड़ तोड़ के खा रही थी तब 40वां ख्याल नहीं आया तुझे? किसी के नवाले कितना बुरी बात होती है। बगैर गिने खाना भी नहीं खाया जाता। अच्छा बस छोड़ो ना, क्यों लड़ रही हो? एक काम करो, मुर्गी नहीं बनानी ना बनाओ, कुछ
कुछ चटपटा बना लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मस्के ना लगा ज्यादा, बनाती हूँ जा। अच्छा काम करने दे मुझे, वैसी पत्नी नहीं है। कब अच्छे दिन आएंगे हमारे। अबे इतना बड़ा हो गया तू, तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई? क्या बात है आमिर भाई, इतनी गर्मी क्यों खा रहे हो? अबे तेरे बाबा का राज है क्या, जहाँ दिल चाहा क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी? अरे क्या हो गया आमिर भाई, क्या पहली बार क्रिकेट खेल रहे हैं? एक सेकंड ठहर जा फायद। ए, बाप तक कैसे पहुंचा तू? तेरा सर खोल दूंगा ये पे खड़े खड़े, पता नहीं मेरे रगों में किसका खून दौड़ा है, शर्फू दादा का। अबे इस खून पर इतराते नहीं, शर्माते हैं। तेरी तो मैं शर्मा भी निकालता हूँ, सस्ते कपड़े पहन के तू तेरी तो। अबे हट पीछे को, आजकल के बच्चे हमें समझाएंगे? अबे देख तो मैं लूंगा तुझे भी और तेरे बाप को भी। अबे बात सुनाए हामिद, या तो तू रहेगा या तेरी दुकान रहेगी, जो भी बाहर निकाल इसको, आज फैसला होके रहेगा। क्या रुक जाओ, गलत बात की है इसने। तो तुमने कौन सा अच्छा जवाब दिया है? लगता है इसकी खाल मसाला मांग रही है, अबे लगाना ही पड़ेगा। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बुरी बात है, जाओ 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 जाओ, आज करते हैं, मैं समझा दूंगा, जाओ जाओ जाओ। अबे होश में रहियो, बात करते हैं। बस 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 छोड़ो छोड़ो, जाओ जाओ समझाओ उसे, जाओ 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 बढ़िया, जाओ जाओ बस बस। और दस की दुकान तोड़ साले की। देखा? अरे यार क्या बताएं, क्या हाल हो गया है मोहल्ले का। तो बात क्या हुआ, चला गया ये, जाया हो जाता मेरे हाथों। चलो छोड़ो छोड़ो, तुम दुकान ठीक करो यार। अब क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्यों इतने उलझे उलझे रहते हो? अरे क्या बताऊं तू फैल भाई, लगता दुकान में को उल्लू की हड्डी गाड़ गया, धंधा एकदम मंदा। अब कौन से तुम जनरल स्टोर की चेन चला रहे हो जो कोई उल्लू की हड्डी गाड़ेगा? अब जितनी तुम्हारी सेल है उससे तो महंगी उल्लू की हड्डी आएगी। अब कुछ भी समझो, नहुसत ही नहुसत है। सलामुअलैकुम जी, मैं नवाब शाह से हूं, अपनी एड्रेस बता दें। अबे नवाब शाह से क्या तू सर के बल आया, जो सारे बाल ही उड़ा दिए तूने रास्ते में? क्या बकवास कर रहा है ये? अबे बकवास का बच्चा, क्या कह रहा तू? पकड़ में जा 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 जा, आज चल मरीज का बच्चा, निकल जा से। बुरी बात है हामिद, बुरी बात है, ऐसे दुकानदारी नहीं होती। अरे तो फैल भाई, जब दुकान का किराया नहीं निकलता ना तो दिमाग भी नहीं चलता। अच्छा भैया मैं तो चलता हूँ। अरे तो फैल भाई रुको तो, अरे चाय तो पी के जाना। नहीं नहीं फिर कभी फरमाइश करके पी लूंगा, अब इस वक्त जाने दो ठीक है। खुदा क्या हाल हो गया है इस मोहल्ले का, अजीब हाल है। कैसा मनहूस पड़ोसी मिला है, ऐसा लगता है नेटी चिटी के पुल पर बैठे गाना सुन रहा हूँ। इधर गाना खत्म उधर जिंदगी। फिक्र ना करो, बहुत जल्दी ये पुल क्रॉस करके इधर आ जाएगा। ओए देख इसे पुल क्रॉस करवाते करवाते कहीं तू हद ना क्रॉस कर जाना। अम्मा पहले कभी शिकायत मिली है क्या? नहीं मिली, इसलिए तो फिक्र रहती मुझे मनहूस कहीं का, हर वक्त देवदास बना रहता है। आज देवदास है कल बिंदास हो जाएगा। बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा जगह मैं तुम्हारी दूँ। देखा कितने प्यार से देख रही थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, प्यार तो होना ही था। देख ये मेरा मोहल्ला है लिहाजा पहला भाई का ही है।
मामियों का ही काम होता है बहनों को रुखसत करना। नहीं नहीं भाई, मैंने अपने आप को खुद से कहा, उसका भाई थोड़ी बोला। हाँ वही वाह, हाँ तो नहीं था ना प्यारे। हाय हाय हाय, जब वो ये बोलेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। क्या बोलेगी? प्यारे। हाँ अगर तू साथ में अफजल लगा देगा ना मेरी लाइन क्लियर हो जाएगी। तेरा नाम फाइज नहीं, तेरा नाम फायर होना चाहिए था, फायर, वो भी मुंह का फायर, समझा? इलाका करता है, आप भी कर दें। मेरा मतलब है आप हैं कौन और ये सामान क्यों उठा रहे हैं? मुझे शर्फू दादा कहते हैं। दादा? इतनी कम उम्र में आप दादा बन गए? वाओ अमेजिंग। अरे वो वाला दादा नहीं, वो जो इलाके का दादा होता है ना, वो हूँ मैं। बदमाश, आप बदमाश हैं? अगर मैं बदमाश होता तो आपकी मदद कैसे करता भाई? हाँ बच्चा, मेरी बीवी जो है ना, उसको कभी मैं फूल देता था, रोमांटिक बातें करता था, वो प्यार से कभी कभी कहती थी हट बदमाश। और आप हट जाते थे? हटता तो नहीं था लेकिन मेरी हट जाती थी। ये आप किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? आजकल यही चल रही है। वैसे आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, हैं? माहौल बनेगा। आए खातून मुझे कहती थी अक्सर कि आप बहुत किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आवाज दे देना शर्फू दादा, एक आवाज में हाजिर हो जाऊंगा। और अगर एक ही आवाज में ना आए तो? इशारे में बात कर लेंगे। और मेरा मतलब है ये आवाज दे देना। आमिर भाई, एक पान तो लगा दो जरा, टाइट वाला, खुशबू लगा के। अबे खुशबू तो तुझे लगानी चाहिए, अबे कितने दिनों से नहाया नहीं तू? वो असल में इसके एरिया में पानी की किल्लत है ना आजकल। अबे सिर्फ इसी के लिए किल्लत है, बाकी सब ठीक है, पकड़ पे पान। 3 साल से वही पतंगे लग जाएंगे, बिकती नहीं क्या? अबे जब खरीदोगे नहीं तो बिकेंगे कहाँ से? ये क्या इसमें कंकरियां? अबे कंकर नहीं निकलेंगे तो क्या पान में से जीतो पाकिस्तान के पास निकलेंगे? और तेरी तरफ जो हिसाब निकल रहा उस पे भी कभी नजर डाली तूने? बड़ी गर्मी खा रहे हो आमिर भाई, बात क्या है? सही उम्र में शादी हो जाती ना तो मेरे जितने बच्चे होते इनके। अबे अल्लाह ना करे तेरे जितने और तुम जैसे होते। बस जाहिलों की तरह बातें करते जाओ। अबे पढ़े लिखो की कौन सी रेटिंग आ रही? आ याद आया, खाकंबा दहन भाई, कल रद्दी में से वो निकल आई अपना, तौबा 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 भाई, एक कटिंग आई हैरान कर गई वो तो मुझे। अच्छा, लेकिन तुम्हारी दुकान में तो हमेशा खटी हुई छालिया ही आती है। अबे तेरी अम्मा भी तो आती है। ओ भाई आमिर भाई, मुंह संभाल के बात करो जरा, ओ भाई समझा ले इनको। पागल है सटिया गया, देखता नहीं गाने हर वक्त कैसे सुनता रहता है पुराने जमाने के। अच्छा, अबे तेरे अब्बा की बारात है जो नए गाने लगा के साथ झूमू और नाचू? ओ भाई खुदा के लिए तू चल ले, लग रहा है इस महीने भी इनका धंधा ठप हो गया है, चल ही नहीं रहा है। चल बे चल चल, यहाँ मत चलियो, आगे जाके चलियो वरना बड़ा जोरदार धमाका होगा। निकल ले शाबाश, चल भाई। खाना उधार और जमाना रोब, भावे उल्टा जमाना आ गया ये तो। पूरा इलाका ही उधार पे लग गया, अब क्या बनेगा? हालात काफी तंग है, मैं इस बार वक्त पे किराया नहीं दे पाऊंगी। अरे किराए की बात कौन बदनसीब कर रहा है? कोई नहीं आया था, वो तो मैं खुद कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं किराया मांगने थोड़ी आया हूँ। तो फिर क्यों आए? अरे ये एक किराया है ना, ये तो बस मुलाकात का एक बहाना है। ये सब भी तो आप ही के तुफैल है। मैं भी तो आपका तुफैल हूँ। कहाँ है मेरा तुफैल? ये रहा आपका। बहुत नॉटी हैं आप।
कम तो आप भी नहीं है। अब तो कम हो गई हूँ मैं। अभी आप बहुत ज्यादा हैं। मैं अपने वजन की नहीं, अपने हुस्न की बात कर रही थी। मैं भी तो उसी की बात कर रहा। बस इसके हाथ पीले कर दो, फिर जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हो जाएंगे, फिक्र ना करें, हमारी बेटी है। हाय अल्लाह, आप तो मेरे किरदार पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं वे, 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 मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मेरा मतलब ये था कि जब हम और आप एक हो जाएंगे तो फिर ये हमारी बेटी हो जाएगी। तो सब अल्लाह के हाथ में है। मगर चाय हेलो। आप ही क्या हर वक्त उदास गाने सुनते रहते हैं? जी ये गाने मुझे बहुत पसंद हैं। पसंद है या किसी की याद दिलाते हैं? जी कुछ नहीं, वो मोबाइल लोड होता है आपके यहाँ? जी जी आपने शायद पढ़ा नहीं, आगे लिखा हुआ है इजी होके लोड। हाँ मुझे भी लोड करवाना है अपने मोबाइल में। 100 रुपए का कर दें। अब सिर्फ 100 रुपए का? आप बड़े अच्छे मौके पे आई हैं। आजकल एक नई स्कीम आई है, आप 100 रुपए का लोड कराएं, 300 का बैलेंस आएगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप घर जाइए, इंशाल्लाह इसका मैसेज आपको जल्दी मिल जाएगा। हाँ एक बात और, ये मेरा नंबर है, आज के बाद कभी भी उदासी महसूस करें तो आप फोन कर सकते हैं, हो सकता है आपकी उदासी दूर हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। मुझे क्या हो गया? अब्बा क्या हुआ, खैरियत तो है? ओ, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो। बात तो ये तो दिन में कोई मुंह नहीं लगाता, आधी रात को कौन पुकारेगा? मेरा ख्याल है तेरी माँ की आवाज थी वो। चीखों की आवाज आ रही थी क्या? अब्बा कहीं तू भी तो नहीं मुझे छोड़ के चला जाएगा इस दुनिया से? अबे कहानी में आखिरी सीन क्यों लेके आ रहा है? क्या पता है ये जिंदगी की अलामत हो? अब्बा अलामत कोई भी हो, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अबे तू नहीं समझेगा इन बातों को। किन बातों को अब्बा? चल रात बहुत हो गई है, आराम कर चल मेरा बच्चा। अब्बा पुकारने वालों को इतना तो कह दो कि दिन में पुकारा करें, वरना बाकियों की नींद भी हराम हो जाती है। चल सुबह जाके कह दूंगा ना। सुबह? सुबह किसको बोलेगा? ऐसे ही कह रहा था, चल सो जा। चल आ जाओ। आ रही हूँ एक मिनट। शर्फू दादा आप? जहे नसीब, जहे नसीब, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? वो मैंने कहा मोहल्ले में रहती हैं तो कोई काम हो तो मुझे बताइए, इसलिए मैं हाजिर हूँ। अब क्या सारी बातें दरवाजे पे ही करेंगे, अंदर भी आएंगे? खाला कहाँ हैं? वो बाजार गई हैं। तो मैं चलता हूँ फिर। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो अच्छी बात नहीं हुई, अभी आए और अभी चल दिए। नहीं वो अच्छा नहीं लगता ना, वो खाला की गैर मौजूदगी में। बड़ी हल्की बात कह दी वैसे आपने, है तो आप मोहल्ले के दादा और डर मुझसे इस तरह रहे? नहीं मैं डरता नहीं हूँ, एहतियात करता हूँ। वो आपसे एक बात कहनी थी। प्लीज जल्दी से कह दें। वो बात कहनी थी। कहिए ना। वो आप ना ख्वाब में आई थी और मुझे पुकार रही थी। सच? हाँ। कितने बजे की बात है ये? ये कोई 2:30-3 बजे की बात है। तो क्या हुआ? मैंने सुना था कि दिल से दिल को राह होती है, लेकिन इतनी होती है ये मुझे नहीं था पता। क्या मतलब? रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपने मुझसे कहा था ना मैं जब जाऊँ आपको पुकार सकती हूँ, तो मैंने कोई 3-4 दफा आपको आवाज दी थी। हाँ इतनी दफा आवाज आई आपकी?
वैसे एक बात बोलूं? जी जी। आप देखने में बहुत प्यारे हैं। What? एकदम स्मार्ट और यंग, बिल्कुल हीरो वाला लुक है आपका। लेकिन आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? आप खुद को चेंज क्यों नहीं कर लेते? अपने आप को चेंज करो, आज ही सर्विस करवाता हूँ। गुड आइडिया है ना? स्वीट 16। बाय। हाय, बहुत गर्मी है इस वक्त। हीरो आप देखने में बहुत प्यारे हैं, एकदम स्मार्ट और यंग, बिल्कुल हीरो वाला लुक है आपका। लेकिन आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? यार कल एक अजीब वाक्या पेश आया। यो, तेरे घर फिर अच्छा खाना आ गया। एक तो तू जब भी लाता है ना ठंडी ढूंढ के लाता है हमेशा। तेरी हट क्यों जाती है यार बात पे? यार मैं जब भी कोई सीरियस बात करने लगता हूँ तो बीच में मजाक की बात कर देता है। चल बोल क्या बात है तेरी। यार अब्बा सोते सोते अचानक उठ के बैठ गए। तो क्या 12 तोपों की सलामी देते फिर उठते? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ ना, मुझे तो फिक्र हो रही है। ये क्या सीन चल रहा है? जो मैंने देखा वो तूने भी देखा है? मैंने भी वही देखा जो तूने देखा। लगता है पैंट छोटे भाई की है और बूट बड़े भाई के पहने हैं। लगता है सारे नमूने आज ही मिलेंगे। देख तो सही अंकल कैसा जवान चल रहा है। वे ऐसा लग रहा है अपनी तरफ ही आ रहे हैं। मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी तो हंसी निकल जाएगी। मैंने खुद बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक के रखी हुई। चाल देख। यार अंकल अब्बा आप अब हंसना। कैसा दिया देखना। अबे बात सुन रहा है? अबे घर में माए बहने नहीं है क्या? इस तरह झांकते हुए अच्छे नहीं लगते। चल दौड़ो यहाँ से, टांग झांक अच्छी चीज नहीं होती। अब चल रहा है, पकड़ लिया, चल पका ले, ये पका के जगह ले। अबे चल निकल बे, अब चल 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 चलो चलो शाबाश। अबे टांग झांक कर रहे हैं, हद हो गई। हम मर गए हैं क्या इस काम के लिए? हाँ हाँ, अब तू अभी तक पकाया ही मांग रहा, निकल जाए यहाँ से। भाई बुतूल आपने तो हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया। भाई जारो कतार हंसा दिया आपने। इससे बुरा हाल और क्या होगा आपका? अफाका हुआ कुछ? भाई आप लोग आ गए तो कुछ रौनक हो गई है। तो फैल भी है, तुम तो भूल ही गए थे ना। अम्मा आप में याद रखने को है ही क्या? अच्छा ये फरमाइए कि ये दावत है किस सिलसिले में? लो भाई खा पी के डकार मार दी और कह रहे कहे के लिए बुलवाया था।
अबे बर्तन मांजने बुलवाया था तुझे। अबे धोने धुलाने का काम तेरा होगा, पान की दुकान का खानदानी काम हमारा है। वो तो तेरी रंगत से लग रहा है। अबे लगता है कि तेरी माँ ने जैतून के बजाय कत्ते से तेरी मालिश की है, जब ही तेरा रंग ऐसा हो गया। अब्बा पान का काम हमारा था, चूना तेरे अब्बा लगा के भाग गए। ओफो, ऐसी कोई बात नहीं है, दावा तो सबसे मुलाकात एक बहाना थी। कभी बगैर बहाने की भी मुलाकात कीजिए। आपकी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगी, लेकिन मैं सर एक प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊं। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? अरे कैसी प्रॉब्लम, हमें भी तो बताओ। इतने अरसे से मैं कमेटी का काम कर रही हूँ, पर इस मोहल्ले में मैं नई हूँ, किसी को जानती नहीं। तो परेशानी की क्या बात है, अभी शर्फू ज्यादा जिंदा है तुम्हारा, आपका प्रॉब्लम तो मैं हल कर ही दूंगा। ऐसा कीजिए 5 तो मेरी तरफ से। भाई 3 मेरी तरफ से। यस। ये भी काम शर्फू दादा ही करेगा। ओ थैंक यू सो मच। आजकल के जमाने में कितने अच्छे लोग मौजूद हैं। ओनली आई वन। वह खाना बहुत लजीज था। जिस तरह तू खा रहा था ना मुफ्ता, लग रहा था कि बड़ा अच्छा लगा। तुम्हें तो खाना खा के भी खाना नहीं लगा। हम हलाल की खाते हैं। ओफो, ये आप दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हैं? इनकी जिंदगी में प्यार करने वाला जो नहीं। लेकिन प्यार करने वाला तो आपकी जिंदगी में भी नहीं है, आप तो नहीं लड़ते? हाँ, नहीं नहीं, एक दफा मेरी लड़ाई हो चुकी है। रहने दीजिए भाई। शर्मू मियां, याद है आपको जो 6 महीने पहले लड़ाई हुई थी, कैसा मारा था मैंने। अच्छा वो वाला जो गलत फहमी की वजह से जलील हुए थे। बस जलील तो होना ही था, उनकी तरफ से तू जो चला गया था। अबे सबसे बड़ा जलील तो तू है बे, मकान मालिक के फेवर में लड़ने भी नहीं गया। बातें कर रहा है। लीजिए गर्मा गर्म चाय। इस महफिल से ज्यादा गर्म नहीं। ये क्या तुम हर वक्त कान में लगाए रखती हो? अम्मा हामिद ने मेमोरी कार्ड में गाने भरवा कर दिए हैं। अब गाने सुनती सुनती दीवानी मत हो जाना। फिक्र ना करें, आप ही की बेटी हूँ मैं। हाय, इसी की तो फिक्र है कि तुम मेरी बेटी हो। अच्छा ये बताएं, पहली कमेटी कब खुल रही है? इतनी जल्दी क्या है, जब खुलेगी ना तो कर लेना शॉपिंग, और खुद भी करूंगी। जरा जल्दी आ। दे दरा, तुम्हें हाथ बहुत दुख रहे हैं, हाथ दबा। थोड़ी देर बाद। इसका नाम नीलम है। तुझे किसने बताया? अब्बा ने। अबे तेरा अब्बा तो बड़े फास्ट जा रहे हैं भाई, बिल्कुल फास्ट बॉलर की तरह, लेकिन तू फिक्र ना कर। किस बात? बहुत जल्दी उनको फिट करा दूंगा मैं। और अगर ना हुए तो? तो तुझे कहीं और फिट करा दूंगा। तुझे पता है कल मैं एक पत्थर वाले के पास गया था। घर का फर्श डलवाने? भाई पागल हो गया है क्या, अंगूठी का पत्थर का? फिर क्या, उसने ये कहा कि नीलम आपको सूट करेगा। ये ना कर मेरे साथ चलाकी है ना खेल। अबे कसम से सच कह रहा हूँ। तो जो पहले फिरोजा, पुखराज, रूबी, वो सब खवातीन, उनके नाम, उनका क्या बना? अबे सब तो तुझे मालूम है, क्या बताऊँ? देख तू तो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन मुझे सब पता है। अबे यार इतने पुराने बुजुर्गों वाले नाम सुनकर ना दिल में एहतराम जाग उठता है। तो तू दिल में और क्या जगाना चाहता है भाई? ये लीजिए, आज मैंने खुद चाय बनाई है आपके लिए। अच्छा, क्या नीलम घर पे नहीं है? नीलम बाजार गई है शॉपिंग के लिए। अच्छा, आप शॉपिंग पर नहीं जाती? क्या बताऊं तुफैल साहब, मेरे तो जिंदगी से दिल उजाट हो गया है। कैसी बातें कर रही हैं? आपकी वजह से तो किसी ने दोबारा जीना शुरू कर दिया। कितने दिन के लिए? जब तक ये सांस की डोरी चल रही है। आप पहली किराएदार हैं जिसने मालिक के मकान होने का एहसास दिलाया। आप मकान दिला दें, हम आपको एहसास दिलाते रहेंगे। ये मकान आप ही का है। आप रिटायरमेंट के बाद इतने एक्शन में हैं, तो ऑन ड्यूटी तो गजब दाते होंगे।
गजब का तो नहीं पता, लेकिन बस नाजायज तामीरा ढाता था। पहले ढाते थे, अब बनाते हैं। आप फिक्र न करें, इस दफा डॉक्यूमेंटेशन, मेरा मतलब है कागजात पूरे। एक सेकेंड, कॉल आई नीलम। हेलो। हाँ नीलम। अच्छा, बहुत पसंद आ रहा है। नहीं, मेरे पास भी नहीं है। बेटा रहने दो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। क्या हुआ? नीलम को जोड़ा पसंद आया है, लेकिन पैसे कम पड़ गए। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, चलिए हम चलते हैं। तो फिर मैं नीलम को कॉल करके बता दूं कि हम आ रहे हैं। हाँ नीलम, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, खुश हो गई। आप जरा बैठे, मैं अपना बैग ले आती हूँ। ठीक ठीक है, थैंक यू। जरा जल्दी आइएगा। जी जी बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। ऐसे घूरते रहोगे या अंदर आने के लिए भी कहोगे? आइए ना, आइए अंदर आइए, उछल के आ जाए, आ जाए बस। अरे किसको पकड़ा हुआ? आप सुनाइए कैसे आना हुआ? चल के। हाँ काफी ठंडी थी वैसे, लेकिन फिर भी मैं गुजारा कर लूंगा, कोई बात नहीं। मुझे मीसनापन नहीं पसंद था, जो बोलना है खुलकर बोलो। चलो बर्तन खाली करो। हाँ अच्छा, इस बर्तन में है क्या? मेरी अम्मी ने आज न्याज दिया। वो लेकिन यहाँ घर में मेरी फातिहा पढ़वा देना तुम। हाँ शर्फू दादा का बेटा नोमी दादा, इतना डरपोक। नहीं ओ, नहीं ओ, चल पगली, डरता नहीं हूँ मैं, बस वैसे ही कभी कभी एहतियात करता हूँ वो हीट वेव की वजह से। एहतियात राइट, ये डायलॉग मैंने कहीं सुना है। किससे? खैर छोड़ो, तुम्हें पता है मुझे बहादुर लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम निडर। बोले तो कनपट्टी पर अगर पिस्तौल रखो तो भी मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करे। जानता हूँ, मुझे देखो कैसी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताना, ये जो न्याज है ये सिर्फ शादीशुदा ही खा सकते हैं कि कुंवारे लोग भी खा सकते हैं? नहीं नहीं, अगर आपके दिल में शादी की ख्वाहिश है तो आप भी खा। तो फिर तो इसकी बहुत डिमांड होगी। नहीं हाँ, पिछले मोहल्ले में भी मैंने यही न्याज बांटी थी। अच्छा फिर क्या, मेरी डिमांड बढ़ गई थी। अच्छा तो आखिर ऐसे क्या डिमांड की थी? बहुत बावले हो तुम। अच्छा वैसे तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे बावला कहा है, वरना आमतौर पे लड़कियां मुझे जाहिल, गवार, इडियट, कमीना, कमबख्त, पता नहीं क्या क्या कह देती है प्यार में। हाउ स्वीट। तो पता तुम बहुत अच्छे हो। टच। बर्तन पहुंचा देना, मैं जा रही हूँ। हाँ बाय। अब्बा क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अबे तो इससे पहले कौन सा धाड़ी मार मार के रोता था भैया। देख अब्बा ये जो लाल पीली भड़कीली शर्ट है ना, ये इस पक्की उम्र में पहने में बड़ी जहर लगती है। अबे तुझे लगती होगी जहर, हमें तो नहीं लगती। हम से मुराद? बस एक ही मुराद है, अब तो प्याला पूरी कर दे बस। बस तेरी तबीयत ऐसे ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह, ऐसा बाका सजीला नौजवान तुझे ढूंढे न मिलेगा। अरे बात सुन बे, ये बर्तन बाहर क्यों पड़े? वो मैं अंदर ले जाना भूल गया था। अबे बाहर कौन लेके आया ये बता। वो नीलम आई थी ना। कौन आई थी? नीलम। यकीनन मेरा तो पूछ रही होगी। नहीं अब्बा आपका क्यों पूछेगी भला वो। ए भाई हो सकता है कोई मोहल्ले की कंप्लेन लेके आई हो, आखिर मोहल्ले में आवारा लड़के भी तो फिरते हैं ना। नहीं नहीं वो वैसे थी, न्याज लेकर आई थी।
कह रही थी जो भी शादी की नियत करके इस न्याज को खाएगा तो उसकी ना शादी हो जाएगी। मेरा हिस्सा कहाँ है? आपके वलीहद के पेट में अब्बा। कम वक्त थोड़ा सा तो बचा रहता अपने बाप के लिए। बा अपने हिस्से की न्याज तो दफना चुके हो, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? अबे मनुष्य, अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कर रहा है? माँ के नहीं अब्बा, आपके बारे में कह रहा हूँ। हलवा खाते ही आंखें दिखाने लग गया। बा मेरी आंखों को तो छोड़, ये जो आपकी जवानी अंगड़ाइयां ले रही ना इस तरह, ये अच्छी बात नहीं है। अबे बाप को टोक रहा है, लगता है कि पुराना छटपुट जगाना ही पड़ेगा मुझे। 70 पंचर लगाऊं तो या 70 पंचर, समझ आई तुझे? चल निकल यहां से, बातें कर रहा है। यार कब आई है? किन सोचों में घूमे यार? मुझे कहानी में कोई गड़बड़ लगती है। भाई तुझे अपने अलावा दुनिया की हर चीज गड़बड़ लगती है। अबे नहीं यार, मोहल्ले के अंकल 11 जरूर किसी चक्कर में। किस चक्कर में? नीलम और उसकी अम्मा के। तेरा तो दिमाग खराब हो गया यार। नहीं यार, तू समझता नहीं इस बात को। ये चले हुए कारतूस जो होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये सारे शराफत की आड़ में हमेशा वार करते हैं। भाई जाहिर है, जब मार्केट में तेरे जैसे गीले कारतूस होंगे तो ये चले हुए कारतूसों की डिमांड होगी, तो और क्या होगा। अच्छा मजाक करता है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका निशाना ठीक है। देख, निशाने से बेहतर है तो अपना दिमाग ठीक कर ले, खामखा तू फलसफी बन रहे। चल यार एक काम कर, टाइट सी चाय पिला दे, बड़ा सर दर्द कर रहा है। टाइट सी चाय लेके आओ जरा। हेलो। सारे मर्द बेवफा होते हैं। क्या मतलब है? बस बस रहने दे, खुद पे जरा सी तवज्जो क्या दे दी आपने, तो मेरा ख्याल अपने दिल से ही निकाल दिया। ऐसी बात नहीं है मेरी रसगुल्ली। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जगह कोई और ले ले। शरफुद दादा का इलाका कोई नहीं ले सका, तो जगह तो दूर की बात है जानू। लड़की दावे नहीं गवाही चाहती है। वक्त आने पे दो गवाह भी ले आऊंगा। दो गवाह तो वैसे भी मेरे पीछे लगे। वो कौन है, सेम और थोर? वक्त आने पर बताऊंगी। हाँ काट दिया जानू, इतनी हसीन हो, हुसैन का सदका भी दे दिया करो तुम्हें। हेलो चांद से प्यारे हामिद, कैसे हो जी? अरे भाई आप कौन? कौन क्या चल पड़ी, तुम तो पहचानने ही भूल गए। अखा क्या नंबर बदल लिया? नंबर बदला है, दिल तो नहीं बदला। वाकई हामिद, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अरे तुम्हें भूल कर हम कहाँ आएंगे। हाँ यही तो मैं सोच रही हूँ। क्या मतलब? अरे बड़ी जल्दी में होती है, तो सुकून से बातें नहीं करती। इतनी जल्दी भूल जाएंगे ये अंदाजा नहीं था। अरे तुम, खैरियत तो है, आज तुम दूसरे नंबर से फोन कर रही हो। दो नंबर कॉल दूसरे नंबर से होगी ना। भाई तुम ईमान से बहुत शरीर हो गई हो। वाह लाले, तेरी तो लॉटरी लग गई। वैसे नीलम खुद आई थी? नहीं, अपने साथ दो गार्ड्स लेकर आई थी। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बातें कर रही थी? होश कहां था बातें करने का? बस न्याज का हलवा खाया, देखो अब कब असर होता है उसका। वही वाह, और सुना कोई नई ताजी? हाँ सच, कल एक लड़की की कॉल आई थी। अरे वाह दादा, हलवा खाते ही हलवा मिलने लगा। बकवास मत कर। वैसे क्या कह रही थी? कह रही थी कि अपने अब्बा पर नजर रखो। लेकिन अब्बा से पूछा इस बारे में? कैसी बातें कर रहे? अब्बा को थोड़ी कॉल आई थी, मुझे कॉल आई थी। अबे मेरा मतलब ये कि मुझे अब्बा को बताया था कि कॉल आई थी? अब्बा को तो नहीं बताया। शुक्र है यार, अच्छा ही किया तूने। क्यों? वरना तेरा अब्बा मोहताज हो जाता है यार। कैसी बातें कर रहे है? पर ठीक ही तो कह रहा हूँ, तेरा अब्बा आजकल इतना तैयार शैयार होके बाहर निकलता है। हाँ वैसे कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि अब्बा आजकल बहुत चहक रहा है। सिर्फ चहक नहीं रहे,
बल्कि महक भी रहे। उस दिन मोतिया का हार जो है ना गली के कोने में फेंक कर आए थे वो घर में। ये अब थोड़ी ज्यादा होगी वैसे। मम्मी तू कॉल को हल्का मत ले, तू नजर रख अपने अब्बा पे, नजर रख। अब्बा है मेरा, जवान बेटी नहीं कि उस पर नजर रखू बार बार। मैं जानता हूँ तेरे अब्बा है, लेकिन दूसरों की जवान बेटियों पर जो नजर रखी उसका क्या करे। देख ले तू अब्बा के खिलाफ मेरे दिल में शक मत पैदा कर। ए यार चल, मेरा काम था समझाना, मैं जा रहा हूँ। तेरे भाई का पार्सल आया हुआ दुबई से। तेरे अच्छे मजे लगे हैं। जो है खैर। चाय। थैंक यू थैंक यू। भाई क्या बात है, बड़े दिनों से दुकान पे नहीं आई। हाँ आपने जैसे बड़ा पलट के मुझे पूछ लिया। अरे भाई पूछने की क्या बात, हम जो तुमसे मिलने चले आए, वो एक बड़ा मशहूर गाना है ना हमारा पाकिस्तानी, कि तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए तेरे दर पर। अच्छा बस बस बस, मुझे ये दिखावे की मोहब्बत बिल्कुल पसंद नहीं है। बस एक माफी हमारी ये कि जो अब कभी सताए तुमको, लो हाथ जोड़े ये कान पकड़े, अब कैसे बनाए तुमको। वाह भाई बड़ी बातें बनाने आ गई हैं आपको भी। अच्छा ये बताओ बैलेंस तो वक्त पे मिल रहा ना। हाँ बैलेंस तो मिल रहा है, लेकिन टैक्स इतना कट जाता है, पैसों का पता ही नहीं चलता। अरे मैं हूँ ना भाई, कमाल कर रही, मैं ज्यादा भेज दिया करूँगा। ये ठीक है, वैसे आजकल आप उदास गाने नहीं सुन रहे। आपका आना आ गया रास, इसीलिए अब हम नहीं लगाते गाने उदास। बहुत बिंदास बहुत बिंदास। ये क्या तरीका है भाई तारीफ का, बुरा लगा? नहीं नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे तो हर बात अच्छी लगती है। कहीं घूमने का दिल चाह रहा है। घूमने को दिल चाह रहा है तो जाओ घुमाओ। हाँ ऐसे मजाक किया मैंने। अच्छा भाई हमें घुमा के खुद घूमने की बातें कर रही हो, कहाँ जाने को दिल चाह रहा? सी व्यू। ठीक है कल चलते हैं। ठीक है चाय। हाँ जरूर जरूर। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं जाम है ये, छू लेने दो नाजुक। कहाँ जा रहे हो अब्बा? शॉपिंग पे जा रहा हूँ। किसको लेकर? रक्षे वाले को बे। वाले को या वाली को? अबे क्या दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं हो गया? अब्बा इतने रोमांटिक मूड में ना सिर्फ शॉपिंग नहीं कराई जाती। किसने कह दिया तुझे ये? मैंने खुद देखा है टीवी पे, वो क्राइम शोज में। अबे शॉपिंग का क्राइम शो से क्या ताल्लुक? हाँ लेकिन जिसको शॉपिंग कराते हो उससे तो ताल्लुक है ना क्राइम का। पता नहीं क्या घुमा फिरा के बातें कर रहा है बावला। घुमा फिरा के मैं नहीं अब्बा, घुमा फिरा के तो क्या बकवास कर रहा है? बोल बोल क्या बकवास कर रहा है? अबे दुनिया बाप पे रश करती है तो शक करती है। अब्बा जब घर में औलाद जवान हो जाए ना तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अबे ख्याल कर करके तो थोड़ा बड़ा किया है तुझे, और क्या चाहता है तू? शादी। शादी ये तो मेरे दिल की बात कह दी भाई, मैं तैयार हूँ, ढूंढ ले मेरे लिए कोई। अब्बा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तेरा नहीं दिल करता घर में बहू लाने को? चाहते तो ये भी है कि तुम्हारे घर में एक प्यारी सी अम्मी आ जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है ना बेटा। नहीं अम्मा लाना? नहीं बहू लाना। ले स्मार्ट बन जा। हेलो फाइज। हेलो नीलम, कैसी हो? जैसे पहले थी, बहुत प्यारी। तुम्हें पता है मेरे अब्बू ने दुबई से नया मोबाइल भेजा है। क्या? काश मेरे भी अब्बू जिंदा होते तो मेरे पास भी एक नया मोबाइल होता, कितनी अच्छी आवाज आती होगी ना उसमें। अरे इसमें तो पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती है। काश, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे खुद बताओ फाइज, क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मोबाइल आएगा? अरे तुम मेरे मोबाइल को अपना ही समझो। भी? भी से क्या मुराद है? अरे भी में ही सब मुराद है। क्या वाकई? वो मोबाइल मैं ले लूं? अरे हाँ हाँ तुम मेरा मोबाइल ले सकती हो। मैं अब्बू से कह दूंगा कि मेरा मोबाइल गन पॉइंट पे छिन गया, तो मैं दूसरा ले लूंगा। तो क्या आप तो मुझ पे डकैती का इल्जाम लगवाओगे? अरे मेरी जान
तुमने मोबाइल पे थोड़ी बल्कि मेरे इस दिल पे डाका मारा, इसकी FIR भी नहीं कटती। FIR नहीं कटती लेकिन नाक जरूर कट जाती है। कैसी बातें कर रही हो? नाक कटने से डर गए क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, अगर डरपोक होता तो तुमसे दोस्ती नहीं करता। हाय, जब दिल पे डाका पड़े तो उसे दोस्ती नहीं प्यार कहते हैं। वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे नीला, तुमने तो एक बार फिर लाजवाब कर दिया मुझे। हाँ तो इससे पहले कौन से क्विज चैंपियन थे? चलो अपना ख्याल रखो और हाँ जल्दी मोबाइल देने आऊंगा। खुदा हाफिज़। क्या बात है मियाँ तुम्हारी, तुम अगर ना होते ना तो इलाके के आधे मसाइल हल हो जाते। बहुत अच्छे भाई, यानी ये मसाइल मेरी वजह से हो रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे मसाइल हल करवाने की वजह से। तुम गैर मुंतखब काउंसलर हो ना? अबे तो जो मुंतखब हो जाते वो कौन सा काम करते हैं? मगर तुम तो काम तमाम कर देते हो ना। ये क्या बात है, इस उम्र में भी तुम अपने ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हो। अपने ऊपर तवज्जो भी दे रहा हूँ और तवज्जो रख भी रहा हूँ। क्या मतलब? शर्फू है मेरा नाम, शर्फू। अब सोते हुए भी आंखें खुली रखता हूँ मैं। अब तुमने लाख आंखें खुली रखी मगर अब भी तुम्हारी आंखें खुली नहीं। अब क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ है? नौमी है ना? वो बतूल के घर के चक्कर लगा रहा है। अरे मेरा बेटा चक्कर तो लगाएगा और तुम भी तो चक्कर लगाते हो। या मैं तो खैर मालिक के मकान। मालिक के मकान? मालिक तो नहीं हो ना? या मैं तो किराया लेने जाता हूँ। अच्छा, महीने में 4 दफा? ना वो तो भाई मैंने किस्तें कर रखी हैं। एक ही दफा किस्तें वसूल करोगे? देखो 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 तुम हद से बढ़ रहे हो। अच्छा तो तुम बढ़ रहे हो आगे। या मैं ये बता रहा हूँ कि बतूल अपनी बेटी के साथ माँ अकेली रहती है। अब अगर मोहल्ले में बात फैलेगी तो अच्छा नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूँ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला बस। क्या हुआ, तेरे कोई फोन नहीं आया? तुझे बड़ी फिक्र लगी हुई। ले भाई, नेकी का जमाना ही नहीं। तू बड़ा खुश नजर आ रहा है आजकल, क्या बात है? है एक बात, दुआ कर अपने भाई के लिए कि तेरे भाई को वो लड़की मिल जाए जिससे प्यार करे। बड़ा एक घुन्ना है तू, एक नंबर का घुन्ना है। बड़ा तू प्यार दिल में लेके बैठा हुआ है। ये क्या सीन चल रहा है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या चल रहा है ये। तू बस बेगैरतों की तरह यहाँ पर खड़ा मेरा मुंह देखता रहा, वहां पे तेरी भाभी किसी और के साथ निकल गई है। वाह भाई वाह, इज्जत तेरी गई हो, बेगैरत में हो गया। इधर मेरी जान पर बनी हुई है, तुझे कॉमेडी की पड़ी हुई है। मुझे तो लगता है मेरे हाथ में खून की लकीर है। तेरे हाथों में लकीरें हैं कहाँ? क्या मतलब? चल छोड़ ना, दोबारा आएंगे तो देख लेंगे ना उसको। मैं तो तंग आ गया उसको बार बार दूसरों के साथ जाता देखकर। तो मेरी जान, उसका भी हल है मेरे पास। वो क्या? आइंदा तू वेल्डिंग वाले ग्लास लगा ली तो कोई दिखेगा ही नहीं। सामान लाया था। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत की क्या बात है, मैं तो अपनी खुशी से लाया हूँ खाला। है क्या इसमें? इसमें गरम गरम समोसे, जलेबियाँ और एहतियातन अचार ले आया था। अरे वाह, वो नीलम का इधर का हो ना, चाय बनाए मेरे लिए। बाजार गई है कुछ काम। कब तक आ जाएगी? बस आती होगी। खाला कुछ परेशान परेशान सी लग रही है, क्या बात है?
अरे शर्फू, तुम्हारी आंखें तो एक्सरे मशीन है, तुम्हें कैसे पता चला? इतनी सारी जिंदगी गुजार दी, आखिर तजुर्बा भी कोई चीज होती है कि नहीं? आज सुबह मैं एटीएम गई थी पैसे निकलवाने, दो मनहूस लड़के आए, मुझे पिस्तौल दिखाए और फिर क्या हुआ? अरे तुम्हारा तो खराब नहीं है, तुम्हारा होना क्या था, कोई घर का पता थोड़ी पूछ रहे थे, सारे के सारे पैसे ले गए। ये कौन हो? मेरे फुप्पो के लड़के थे, खानदानी लेन देन का मसला था। अरे शर्फू, एक तो मैं वैसे परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारे बेवकूफी सवाल मुझे और परेशान कर रहे हैं। अरे परेशान क्यों होती हो भाई? कैसे परेशान ना हो, सारे कमेटी के पैसे थे, घर का किराया देना है, अब कौन मदद करेगा मेरी? मैं हूँ ना खाला, मैं हूँ। नहीं शर्फू, तुमने तो पहले हम पर बहुत एहसान किए हैं। अरे नहीं भाई, खाला अपना बेटा ही समझे मुझे। वैसे टेक्निकली तो बहुत मुश्किल काम है, तुम इतना काम आ रहे हो तो समझ लेती हूँ। अरे टेक्निक बहुत आगे चली गई है खाला, कहीं ना कहीं जो है ना तार जुड़ी जाएंगे माँ बेटे के। नीलम आ गई होगी। आप जाओ, आने दे। आज तो फुल सीन ऑन लग रहा है। नहीं ये तो तू क्यों चल रहा है? नहीं क्या बात है, बड़ी किटशिट की हुई तूने। अबे तो तेरे अब्बा ने थोड़ी कोई किटशिट का ठेका लिया हुआ है। ये देख तू फिर बात तक पहुंच जाता है यार। हेलो, अरे मैं आ रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारा कार्ड लेकर आ रहा हूँ, डोंट वरी। ओके लाफिस। किसका फोन था? अबे ये सब तुझे मैं बाद में आके बताऊंगा। हाँ, तुझे क्या हो गया, इतना मुंह लटका क्यों खड़ा हुआ है? क्या भाई के टैलेंट से तू मिस हो गया है क्या? तू अभी तक मुंह लटकाए खड़ा हुआ है? तेरे भी अच्छे दिन आएंगे, तू जरा चलता हूं। तो फिर आपने क्या सोचा? किसके बारे में? बेटी की शादी के बारे में। अभी जहेज तो मुकम्मल हो जाए, उसकी फिक्र ना करें आप। एक बात तो बताइए, ये आपका नाम बतूल बानो किसने रखा? दरअसल मेरे नकुश सायरा बानो से बहुत मिलते थे, इसलिए मेरे नाम के बाद बानो लगा दिया। यकीन नहीं आ रहा? नहीं नहीं आ रहा है, आ रहा है। अपने जमाने की हसीन थी। हाँ सायरा बानो। नहीं बतूल बानो। वो तो अब भी है, कोई मेरी निगाह से देख। हाय अल्लाह, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, हमें लाज आती है। आपके यही मशरकी अंदाज किसी दिन मेरी जान ले लेगा। अभी जहेज तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा सब्र कीजिए। आप फिल्में देखती?
हाँ बहुत। कौन सा हीरो पसंद है? इमरान हाशमी। हैं? हाँ, धोखे में ही नहीं रखता, प्यार का इजहार खुल के करता है। औरत इजहार ही तो चाहती है। तो इतने दिनों से यही तो कर रहा हूँ। हाय अल्लाह, हमें तो पता ही नहीं चला। हाय, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। वो अम्मा ख्वाब में आई थी मेरे। क्या कह रही थी? वो कह रही थी अपने अब्बा को रोको। अच्छा, मेरे कहने पे वो रुकी, चली गई ना ऊपर। अब मैं कैसे मानू उसका कहना? अब्बा वो एक और बात भी कह रही थी। अबे क्या क्या कह रहा था ख्वाब में आके? कह रही थी कि तेरे अब्बा पे किसी ने जादू कर दिया, बड़ा प्यारा हो गया। हाँ ये तो बात सही है, जादू तो कर ही दिया है किसी ने। अब्बा वैसे ये जादू के असरात पूरे घर पे होते है ना? पागल हो गया क्या? जादू जिस पे होता ना उसी पे असर होता है बस। अब्बा वैसे मुझे भी रात में नींद नहीं आती, बड़ा बेचैन रहता हूँ, ठंडे पसीने और लाल नगीने आते हैं। अब्बा मेरा भी रूहानी इलाज करवा देना। अरे भाई तेरा रूहानी नहीं, यूनानी इलाज होगा, यूनानी। आसाबी कमजोरियाँ हैं ये सब। अच्छा मैं जा रहा हूँ काम पे। कहाँ? वो सेठ राशिद है ना, उसको पर्ची आई है, जरा निमटाने जा रहा हूँ। और दोपहर का खाना वही खाऊंगा, तेरा कह दिया पड़ोस में आ जाएगा तेरा खाना। और तू भी मेरी तरह स्मार्ट हो जा ले पकड़। तू भी अजीब आदमी है यार, थोड़ा तो पेट्रोल छोड़ता। थोड़ा पेट्रोल छोड़ा था तो आधे रास्ते तक तू पहुंचा है ना। 100 सुनार की और 1 लोहार की। अच्छा अब क्या भाई से बदला लेगा? वैसे तूने एक बात नोट की है? क्या बात? ये अपना हामिद भाई आजकल कुछ ज्यादा नहीं खुश इखलाक सा होने रहेगा। हाँ यार तू कहता तो ठीक है, जब से नीलम आई है बड़े पतले पतले से लग रहे है ना। वैसे बदले बदले तो तेरा अब्बा भी बड़े लग रहे हैं। ये एक तो तू हर बात में मेरे बाप को क्यों बीच में ले आता है यार? वैसे क्या तू सही रहा है? ये हामिद भाई पहले बड़े गमजदा किस्म के गाने लगाते थे, अब नीलम की फरमाइश पर उन्होंने तो अपनी प्लेलिस्ट ही चेंज करके रख दी है। यार तू ठीक कह रहा है, यहाँ वो फरमाइश करती और वो बदल देते, ऐसे जैसे FM के RJ मान जाती यहाँ लड़की ने बोला और यहाँ चेंज कर दिया। RJ तो सारे एक तरह के होते हैं। लेकिन हामिद भाई RJ थोड़ी है। हाँ लेकिन दुकान तो उन्होंने भी खोल के रखी है ना। सुनाले कल में जरूर कुछ काला है। मैं तो कहता हूँ हामिद भाई का मुंह ही काला है। मैं तेरे बालों का ख्याल ना रखू ना तो ये बिल्कुल बेरौनक हो जाए। हाय अम्मा, सारी रौनक के तुम्हारी तो दम से है। पता है पूरे मोहल्ले में तेरा चर्चा है। अल्लाह सच्ची, किसने बताया? बतूर बानो जहाँ भी जाती है ना सबसे पहले अपने ताल्लुकात बनाती है। हाँ वो तो मुझे अंदाजा हो रहा है। चल बदमाश। अच्छा ये बताओ आगे क्या करना है? अरे करना क्या है, जो करता है वही करेंगे। अपने प्यार की शिद्दत को और बढ़ाओ और जो भी पसंद आए उससे अपने दिल का राजा बना। ए, शर्मा रही है? बड़े दिन बाद आना हुआ आपका। भाई दुकान पे इस कदर रश लगा रहता है कि सर को जाने की फुर्सत ही नहीं हो रही। आप तो अभी से इतने मसरूफ हो गए कि हमें ही भूल गए। अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं? ये कारोबार में बरकत तो आपके आने के बाद ही डली। और इस बरकत में मेरा कितना हिस्सा है? हाय हिस्सा कह दिया, ये सब कुछ तो आप ही का है। अंदाजा है आपको कितने दिनों के बाद आए हैं आप? अरे खाला मैं ना भी आऊं तो क्या हुआ, मेरे गाने तो खिड़की के रास्ते आ रहे हैं ना। हाय हाय, खिड़की से तो चोर भी आते हैं।
वैसे आप ज्यादा से ज्यादा वही मुराद के गाने लगाया कीजिए। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग यूं खो गए तेरे प्यार में। और हाँ, ये गाना तो आप जरूर लगाइएगा, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएगे। ऐसे क्या गाने हुआ करते थे उस जमाने के। अरे खाला बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ये सारे गाने शाम तक चल जाएंगे। वैसे वहीद मुराद मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वैसे तो लाला सुधीर भी अच्छे लगते थे, लेकिन मूड पे डिपेंड करता है। हाँ मामी बहुत मूडी है। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ आते हैं मोहल्ले वाले बातें बनाते होंगे ना? नहीं। अरे भाई इनसे डरता हूँ क्या मैं? हाँ मुझे तो बस आपकी इज्जत का ख्याल है। अरे भाई फिक्र मत करो, अब के बार आऊंगा ना तो कंगन के साथ आऊंगा। सच? सोने के होंगे? 5 तोले के होंगे। मुझे इंतजार रहेगा। पान में चूना कम लगाया कीजिए। आज इस ड्रामे की आखिरी किस्त चला ही देते हैं। तू ठीक कहता है, चल फौरन। जैसे आप मेरी जिंदगी में आई बड़ी तब्दीली आ गई। इससे पहले इतनी प्यारी जिंदगी नहीं थी। ये तो आपकी मोहब्बत है, वरना मैं इस काबिल कहाँ? काबिल तो मैं भी नहीं आपके। ऐसी बात नहीं है, हम कब तक फोन पे ऐसे बात करते रहेंगे? जब तक वो कमबख्त नोमी नहीं आ जाता। ये कैसा मजाक है? सब कहते हैं मेरे ही जैसा है। कौन मजाक? अरे नहीं भाई नोमी। देखें, मैं आपके और अपने दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओहो माइंड करे, मेरे भी यही हाल है। बाकी सिर्फ हाल है, ख्याल तो जरा भी नहीं। परेशान क्यों हो रही हो? सुनार को दे दिए मैंने कंगन कली करने को। इतनी अच्छी आवाज है, अंदाज है, आप रेडियो का प्रोग्राम क्यों नहीं करते? जो मुझे रेडियो के प्रोग्राम से मिलेगा ना वो वैसे ही मिल जाता है मुझे। आप सिर्फ बातें ही बनाते हैं। अच्छा कोई शेर तो सुनाए। ऐसे ये काम भी शुरू कर दिया। बनूंगा जिसका मैं सरताज, राज करेगी राज, आई राज करेगी राज। वाह वाह वाह, बहुत अछूता और दिल को छूता ख्याल है। कभी आ गए हमें भी तो छूओ ना, इस ख्याल का ख्याल रखना। आजकल सुना डंडी मारने लगे, याद से कंगन ले लीजिएगा। आप फिक्र ना करो जानू, एक बात करूं? नहीं अभी नहीं, कोई आया है, बाद में बात करते हैं। हाँ अच्छा, अब मेरे अलावा भी कोई आने लगा है वहाँ? उसको भी कम वक्त अभी आना था। है शीशे में जो उतर गई। ये लीजिए खाला, आपका ये सामान भी हमने आपको ला कर दे दिया। भाई खाला पूरे दिन काम किया है तो एक कप चाय तो बनती है। बनती है, रोजाना बनती है, पर बनाए कौन? नीलम। वही तो घर पर नहीं है। कहाँ? अस्पताल। खैरियत? खुदा गारक करे। किसको? जिसने मेरे भाई की क्योंकि निशानी को मारा है। कहाँ मारा है? अरे कहाँ कहाँ नहीं मारा है, इस गली के कोने में मारा है। चारने से फोन किया था, नीलम बाजी मैं आ रहा हूँ। नीलम बाजी? ना जाने किस नस्ल के डाकू थे, फोरी डाल कर मारे मेरे बच्चे को। मेरा बस चले ना, अगर वो मुझे मिल जाए तो उसी बोरी में डालकर उनका पार्सल मैंने ना किया ना
तो बतूल बानो नाम ना हो मेरा। हाँ जी हाँ जी खाला जान, ये तो बिल्कुल ऐसा ही सलूक होना चाहिए उनके साथ। रिपोर्ट लिखवा दी है, भांजे से पूछ रही है, शकल याद हो तो खाका तैयार करे। कौन? नीलम? नीलम क्यों पूछेगी, पुलिस की बात कर रही हूँ। शुक्र है बोरी ने बचा लिया भाई। क्या मतलब? मतलब अगर बोरी ना होती तो खलाजान फिर उसको ज्यादा चोटें आ सकती थी ना, उसकी स्किन डैमेज हो जाती। स्किन? खैर वैसे तो सारे काम हो गए, शाम को पानी घर कर ला देना। जी जी। दरवाजा बंद करके जाओ। हाँ जी। अब बात सुनो, ये मोहल्ले में ठीक नहीं हो रहा। अबे मोहल्ले की बड़ी फिक्र हो रही तुझे, पहले अपनी हरकतें तो देख। वे शर्फू से ऊंची आवाज में बात कर रहा है तू? शर्फू चाहे घर बुला के जलील करता रहे। ये काम तो मैं सड़क पे भी कर सकता हूँ। मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी और तेरे लिए मैंने चूड़ियां ले रखी है पान वाले की औलाद। अबे खानदान तक मत जाना, हम पान वाले हैं और तू चमार है। चमार? ये चमार जो है ना चमड़ी उधेर देते, समझ आई तुझे? तुम इतनी गर्मी क्यों खा रहे हो? घर में खाने को जो कुछ नहीं मिलता ना। अबे लड़ाई में भी जगते चल रही है, एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद बतूल बानू गया कोई नहीं जाएगा। भाई क्यों नहीं जाएगा, वो घर है मेरा। अब मेरी पड़ोसन है वो, तो मेरा पूरा इलाका है, मैं नहीं चाह रहा था कि पुराना शर्फू जाग जाए, लेकिन अब जाग गया है। तुम अपना हुक्म नहीं चला सकते। बिल्कुल, ये उनकी मर्जी है किसको अपने घर आने दें किसको नहीं। ऐसा है तो ठीक है, 5 दिन के बाद जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अब 5 दिन क्यों, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी चलते हैं। अभी? अभी तो मैंने किसी की सुपारी ली हुई है, उससे निमट जाऊं, इसके बाद।
हाँ हेलो, कहाँ है? घर पे, खैरियत? यार आज घर में अब्बा की सबसे गर्मा गर्मी हो गई है। सबसे क्या मुरा? यार हामिद भाई और तुफैल साहब से। ये तो होना ही था एक दिन यार। खैर परेशान ना हो, मैं तेरी तरफ आता हूँ तो फिर बैठ के कोई हल निकालते। ठीक है, डन डन। चेक तो करके तो बनते हैं। हेलो, अबे कौन है बे? जनाब ने मेरा नंबर सेव नहीं किया। ओह आप? मेरा और आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया, अब आप तो पूरी की पूरी सेफ हो गई। नंबर क्या? वैसे मैंने किया था दूसरे नंबर पे, लेकिन मुसलसल बंद जा रहा था जानू। अच्छा सुने, मैं कल शाम 5 बजे बेवा पार्क में आपका इंतजार करूंगी। बेवा पार्क में क्यों? क्योंकि वहाँ यतीमों के आने पर पाबंदी नहीं है। जो बड़ा अच्छा कर लेती है, एंजॉय कर रही है मेरे साथ। आप लाल शर्ट पहन कर आइएगा गार्ड रूम में। लाल शर्ट पहन के गार्ड रूम में? गार्ड रूम में क्यों? क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। पक्का? पक्का। ओए ओए, लंबा प्रोग्राम है इसका। जान से प्यारे हामिद, हम तो तुम्हारी शक्ल देखने को ही तरसते हैं। तो फिर आप चाहती क्या है? एक जवान लड़की खूबसूरत लड़के से भला क्या चाह सकती है? मैं तो फिर भला करने में इतनी कंजूसी क्यों? मैं दिल से आपको चाहती हूँ। वाकई? क्यों, यकीन नहीं है मेरी बात पर? कोई और आ जाएगा फिर पता चलेगा। मैं अब किसी और को दरमियान में आने नहीं दूंगा, समझी? समझ गई। तो फिर कल शाम 5 बजे बेवा पार्क के गार्ड रूम में आपका इंतजार करूंगी मैं। हुँ? अच्छा, और हाँ, लाल शर्ट पहन कर आइएगा। क्यों भाई, लाल क्यों? लाल रंग प्यार की निशानी। हाय, आज भी आवाज में वही जवानी। बस आपकी मेहरबानी। मेहरबानी को बढ़ाइए और मिलने चले आइए। इंतजार फरमाइए, लेकिन पहले वजह तो बताइए। जैसे दूसरे आ रहे हैं आप भी आइए। मगर मैं दूसरा कहाँ हूँ, मैं तो पहला हूँ, इस बात का क्या मतलब? मतलब तो आने के बाद ही पता चलेगा ना। देखिए, मैं मतलब ही नहीं हूँ, मगर आना कहाँ होगा। हाँ हेलो। और शहजादे क्या हो रहा है? मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी तंग मत करो। कल शाम 5 बजे बेवा पार्क में आ जाना, ठीक है? बाय। हेलो। अच्छा, माँ। हम्म, कमेटी का क्या हुआ? अरे होना क्या है, सबके पैसे आ गए हैं। वैसे आज गानों की आवाज नहीं आ रही। हाँ कह तो ठीक है ये। अरे सुन, उस जरा फिल्म सहेली का गाना तो लगवा, वो असद अमानत अली ने गाया ना। आखे गजल है आपकी, आखे गजल आपकी। मैं अभी काम करती हूँ, मैं मैसेज करती हूँ हामिद को, अभी लगवाती हूँ गाना। क्या चॉइस है अम्मा, मान गई। ओ नोमी, और मेरी लाल कमीज कहाँ है भाई? तुझे आवाज नहीं आई? आ रही है अब्बा। तो फिर क्या, मुंह सुझाऊ तेरा? अब्बा वो लाल शर्ट अब तुझे पूरी नहीं आएगी। है कहाँ ये बता, है कहाँ? अब तू लाल शर्ट पहन के कहाँ जा रहे? बुल फाइट करने जा रहा हूँ। अबे बाप से बहस कर रहा है, जबान चलाता है। तो मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था। तो मैं सही जवाब दूंगा तो कौन सा मुझे मोटरसाइकिल दे देगा? अबे एयर वाई पे तो लंगर खुला हुआ मोटरसाइकिलों का। पर अब ये लाल शर्ट पहनकर कौन सा वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हो? अबे भाड़ में जाए वैलेंटाइन डे, मैं तो जा रहा हूँ दोस्तों की पार्टी में, रेड कलर पार्टी। अच्छा, और कितने दोस्त आ रहे हैं वहाँ पे? तो जाके ही पता लगेगा। ये देख ले अब्बा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अबे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है।
लेकिन जाना भी जरूरी है। चल ले गया सर। रुके मैं लेकर लेकर मुझे सही इतला मिली थी और सही वक्त पे मैंने छापा मारा। अब सबसे पहले आने वाला छापा नहीं मारा करता। वैसे मुझे तुम दोनों से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, शर्म करो। और तू तो जैसे ये मौलवी साहब से तावीज लेने आता है। भाई यकीन मानो मैं तुम दोनों को ऐसा ही समझता था। मैं तुम दोनों को ऐसा ही समझता था। दूसरों के घर से रोकने वाले खुद गार्ड रूम से बराबर। इसका फैसला तो कल ही होगा। किस किस्म के पुराने गाने लगाए हैं, वो भी जनाना। कोई मर्दाना नंबर नहीं है क्या? हाय, माँ की रुखसती याद आ रही है। और उस वक्त तू कहाँ से आ गया? अबे पढ़े लिखे बाप के जाहिल बच्चे, तेरी माँ की रुखसती की बात कर रहा हूँ। तो मेरी माँ की रुखसती को तू क्यों याद कर रहा है? इसलिए मेरे साथ हुई थी ना। तो ये बात तो उसको याद करके रोना चाहिए ना। वो तो ऊपर रुखसत हो गई, वो कहाँ से आएगी अब। मैंने तुझसे एक बात करनी है। चल बोल। अब्बा मुझे नीलम से प्यार हो गया। अबे क्या हसियान बक रहा है? बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों? वो माँ बनने वाली है। क्या? अबे जाहिल, तेरी माँ बनने वाली है। अब्बा मैं बता दूँ, मैं अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकता। मैं तो दे सकता हूँ। मैं देख लूंगा फिर। देख बेटा, ये औरत ही है जो नफरत पैदा करती है। मैं इस नफरत को प्यार में तब्दील कर दूंगा। मुझे वैसे भी नीलम की आजाद ख्याली ने ना जीना सिखा दिया। अब्बा आजाद ख्याली? अबे वो तो शेर और शायरी पसंद करती है। हाँ तो अब्बा आपका शेर और शायरी से क्या ताल्लुक? तेरा आजाद ख्याली से बड़ा ताल्लुक है भाई। बस अब्बा मैंने कह दिया तुझे, मेरा ये आखिरी फैसला है बस। कल चलना तू भी मेरे साथ। देखो यार अजीब लड़का है, बिल्कुल मुगलिया खानदानों वाली हरकत है। नीलम ना हो गई, अनारकली हो गई। अबे रेडियो, अबे देख रहे थे क्या मेरे साथ तस्वीरें बनाई? सेल्फी तस्वीरें होंगी मेरे साथ। अरे भाई जानू लिखा होगा मेरे लिए। जानू देखता हूँ। जब ये हाथ तुम्हारे हाथ में होगा तो
हम इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके होंगे। क्या मतलब? देखा, तेरी छोटी सोच की वजह से दोनों माँ बेटियां खुदकुशी पे मजबूर हो गई। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा, इस दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे तेरे साथ होती तो खुदकुशी करती ना। देखो एड्रेस क्या लिखा हुआ कब्रिस्तान का, रोज पानी देने जाऊंगा वहाँ। पहले दाना डालता रहा, अब पानी डालेगा। अरे सुहेल साहब आगे पढ़ के कलेजा मुंह को आ रहा। हम ये मोहल्ला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। नीलम अपने मुंह का तिल तो छोड़ जाती मेरे लिए। मेरी माँ का कंगन और मेरे पैसे, वो तुम्हारी माँ ही ले गई। मेरा मोबाइल, मेरे 58 लाख, ओ मेरी कमेटी गई। अरे बिठा दो। अरे मैं तो कह रहा हूँ इनको वहीं लिटा दो, इनको इसी खत में बिठा दे। या व्हाटएवर।